नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। दुष्कर्म के आरोपी सरकारी वकील की जमानत के आदेश से सर्वोच्च न्यायालय हैरान। मशहूर गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम का 74 साल की उम्र में निधन। सीएसआईआर और सीसीएमबी के शोध में दावा, पूरी दुनिया को एक ही कोरोना वैक्सीन की जरूरत। सार्क की बैठक में जयशंकर ने लिया हिस्सा, पाकिस्तान ने बैकग्राउंड में नहीं लगाया कोई विवादित नक्शा। महामारी के खिलाफ मिलकर काम करेंगे सीएसआईआर और माइलैंड लेबोरेटरीज। जयशंकर ने कहा कि अभूतपूर्व स्थिति से गुजर रहे हैं भारत और चीन, बैठक कर निकालना होगा हल। सऊदी अरब ने भारत आने वाली फ्लाइट को दी इजाजत, एयर इंडिया ने की पुष्टि। सिख लड़की के अपहरण पर भारत ने कहा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे पाकिस्तान। भीमा कोरेगांव सुप्रीम कोर्ट का सुधा भारद्वाज की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार। कैट ने अवमानना के लिए वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा को ठहराया दोषी, गंभीर चेतावनी देकर छोड़ा। राहुल गांधी ने फिर मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा पीआर में लगे हैं प्रधानमंत्री। कोरोना से लड़ने के लिए आपदा कोष की 50% रकम इस्तेमाल कर सकेंगे राज्य। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि कांग्रेस विपक्षी दल जिन बदलावों की पैरवी कर रहे थे अब उनका विरोध कर रहे हैं। आईआईटी छात्रों में खुदकुशी की बढ़ती प्रवृत्ति को लेकर दायर याचिका खारिज। कैश फॉर वोट मामले में सीबीआई ने तमिलनाडु में 3 जगहों पर मारा छापा। मणिपुर में बड़ा फेरबदल, 5 नए मंत्रियों को दिलाई गई शपथ। एनडीए के समर्थन में आई शिवसेना, कहा किसानों के हित में है कृषि सुधार विधेयक। राज्यसभा सचिवालय के 83 अधिकारी संसद के मॉनसून सत्र के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। चीन के साथ वार्ता के अगले दौर के पहले भारत ने जमीनी स्तर पर स्थिरता को जरूरी बताया। महाराष्ट्र में कोरोना की चपेट में आए एक और मंत्री, अब तक 1.5 दर्जन हो चुके हैं संक्रमित। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को करेंगे श्रीलंकाई समकक्ष के साथ द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन। ड्रग्स मामला, दीपिका पादुकोण 26 को तो रकुल प्रीत और करिश्मा। कर्नाटक में कांग्रेस ने येदियुरप्पा सरकार के खिलाफ दिया अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस, स्पीकर ने की पुष्टि। बेंगलुरु दंगा मामले में एनआईए की 30 जगह छापेमारी, मुख्य साजिशकर्ता गिरफ्तार। केंद्र सरकार ने 3 महीने के लिए बढ़ाई आईबीसी की 3 धाराओं के निलंबन की अवधि।